बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 9 का सेक्शन 161 कवर कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सेक्शन 162 से लेकर सेक्शन 164 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड को। व्यूअर्स, अगर आप पाकिस्तान पिनल कोड से मुतालिक मेरी दूसरी वीडियो देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पर मौजूद पाकिस्तान पिनल कोड के नाम से प्ले लिस्ट को वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सेक्शन 162, टेकिंग रेटिफिकेशन इन ऑर्डर बाय करप्ट और इलीगल मींस टू इन्फ्लुएंस पब्लिक सर्वेंट, यानी कि रिश्वत लेना ताकि बदअनवानी और खिलाफ कानून तरीकों से सरकारी मुलाजिम पर असर डाला जाए। ये जो सेक्शन है ये सरकारी मुलाजिम की रिश्वत वसूल करने से मुतालिक नहीं है, बल्कि एक आम शख्स, एक कॉमन मैन के रिश्वत वसूल करने से मुतालिक है, ताकि वो बदअनवानी से और खिलाफ कानून तरीकों से किसी सरकारी मुलाजिम पर असर डालकर उससे कोई काम निकलवा सके। पिछला सेक्शन जो कि हमने पढ़ा था, सेक्शन 161, वो डायरेक्ट सरकारी मुलाजिम से मुतालिक था, जबकि सेक्शन 162 एक कॉमन मैन से मुतालिक है। इसमें बताया गया है कि एक आम शख्स किसी भी सरकारी मुलाजिम से कोई काम करवाने के लिए किसी शख्स के साथ समझौता करता है, यानी कि ऐसा शख्स जो कि मुलजिम है वो अपने लिए या किसी और शख्स के लिए रिश्वत कबूल करता है या हासिल करता है, या रिश्वत कबूल करने या हासिल करने पर रजामंद होता है, या ऐसा इकदाम करता है ताकि वो किसी सरकारी मुलाजिम से बदअनवानी या गैर कानूनी तरीकों से कोई काम करवा कर दे सके, किसी का कोई काम करवा कर दे सके, किन तरीकों से, बदअनवानी या गैर कानूनी तरीकों से, और इस मकसद के लिए वो किसी दूसरे शख्स से रिश्वत हासिल करता है, कबूल करता है, या रजामंद होता है, या ऐसा इकदाम करता है। अब हम बात कर लेते हैं कैसे सरकारी मुलाजिम से बदअनवानी या गैर कानूनी तरीकों से क्या काम लिया जा सकता है। जैसा कि सेक्शन में बताया गया है कि इस बात की तहरीक की जाए कि वो सरकारी मुलाजिम कोई सरकारी फराइज की अदायगी करे या इससे इज्तनाब करे, या ऐसे सरकारी मुलाजिम के फराइज मुनसबी जो इसकी ड्यूटीज हैं उनको इस्तेमाल में लाकर किसी शख्स की तरफदारी करे या किसी शख्स की मुखालफत करे, या वफाकी या किसी सूबाई हुकूमत या किसी कानून साज इदारे या सरकारी मुलाजिम की हैसियत से सरकारी मुलाजिम के रूबरू किसी शख्स की खिदमत या नुकसान रसानी करे या इकदाम करे। इस सेक्शन में ऐसे मुलजिम के लिए जो सजा बयान की गई है वो 3 साल तक की कैद की सजा बयान की गई है, और वो दोनों किस्मों में से किसी किस्म की भी हो सकती है, यानी कि वो सादा सजा भी हो सकती है या फिर कैद बामशक्कत भी हो सकती है, या फिर ऐसे शख्स को जुर्माना आयद किया जाएगा, या फिर दोनों सजाएं दी जाएंगी। अगर बात की जाए कि इस सेक्शन का मकसद क्या है, तो इस सेक्शन का मकसद इस सेक्शन की तारीफ से साफ तौर पर वाजह है, क्योंकि इस सेक्शन के जरिए ऐसे शख्स को मुजरिम ठहराया गया है और ऐसे शख्स को काबिल सजा ठहराया गया है जो अपने लिए या किसी दूसरे शख्स के लिए रिश्वत लेता है ताकि किसी सरकारी मुलाजिम को बदअनवानी या खिलाफ कानून तरीकों से कोई फर्ज मनसबी, यानी कि वो बतौर सरकारी मुलाजिम जो काम करना उस पर लाजिम था, उनकी इंजामदही देने या उनको रोकने में तरफदारी करने में तरगीब दे। इसके बाद है सेक्शन 163, टेकिंग ग्रेटिफिकेशन फॉर एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल इंफ्लुएंस विद पब्लिक सर्वेंट। सेक्शन 163 भी एक कॉमन मैन से मुतल्लिक है कि जब कोई एक शख्स रिश्वत लेता है ताकि जाती असर रसूख से सरकारी मुलाजिम से काम निकलवाया जाए, किसे, जाती असर रसूख से। जबकि हमने पिछले सेक्शन 162 में पढ़ा था कि जब कोई शख्स बदअनवानी से
और खिलाफी कानून तरीकों से सरकारी मुलाजिम से कोई काम निकलवाए और इस मकसद के लिए रिश्वत हासिल करे। जबकि सेक्शन 163 में यह बताया गया है कि जब कोई शख्स जाती असर रसूख से किसी सरकारी मुलाजिम से कोई काम निकलवाए और इस काम करवाने के बदले में किसी शख्स से कोई रिश्वत हासिल करे तो ऐसे शख्स को इस सेक्शन के तहत 1 साल तक की कैद की सजा दी जा सकती है जो कि सिंपल इंप्रिजनमेंट होगी, या फिर ऐसे शख्स को फाइन किया जा सकता है, या फिर दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। यानी कि सेक्शन के तहत जो जाती असर सूख के जरिए कोई काम निकलवाने के लिए रिश्वत हासिल करता है, इस सेक्शन के तहत उसको सजा पिछले 2 सेक्शन की निस्बत कम दी जाती है और सिंपल इंप्रिजनमेंट दी जाती है। इसकी इलस्ट्रेशन में बताया गया है कि अगर एक एडवोकेट जो कि जज साहब के सामने मुकदमा लड़ने के लिए फीस हासिल करता है तो इसको इस सेक्शन के तहत नहीं लिया जा सकता। हां, अगर कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा कॉमन मैन जो कि कहता है कि जज साहब के साथ मेरे जाती असर रसूख हैं, उसका कोई करीबी रिश्तेदार है या जो भी उसका जाती असर रसूख है, उस जाती असर रसूख की वजह से वो कहता है कि मैं आपका ये काम उस जज साहब से निकलवा दूंगा, आपके फेवर में फैसला करवा दूंगा, वो किसी शख्स से वो रिश्वत हासिल कर लेता है, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स को इस सेक्शन के तहत सजा दी जाएगी। या फिर अगर कोई शख्स ये कहता है कि फलां थानेदार मेरा वाकफ है, तुम्हारा जो वहां पे केस चल रहा है, तुम पे जो FIR है, उसकी जो तफ्तीश है, वो तफ्तीशी से मैं तुम्हारे हक में करवा दूंगा और अपने जाती असूसू की बिना पर करवा दूंगा क्योंकि वो मेरा सगा चाचा है, तो ऐसी सोच में भी ऐसे शख्स को इस सेक्शन के तहत सजा दी जाएगी। अगर बात की जाए कि इस सेक्शन का मकसद क्या है तो इस सेक्शन का मकसद साफ वाजे है कि सेक्शन के जरिए ऐसे शख्स को मुजरिम ठहराया गया है जो कि किसी तीसरे शख्स से रिश्वत हासिल करता है कि मैं अपने जाती असर रसूख की बिना पर आपका ये काम करवा दूंगा, तो ऐसे शख्स को इस सेक्शन के तहत सजा दी जाएगी। इन दोनों सेक्शन का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है रिश्वत हासिल करना। अगर रिश्वत हासिल करना साबित ना हो और सिर्फ काम करवाना साबित हो तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स को इन सेक्शन के तहत सजा नहीं दी जाएगी। यानी कि अगर कोई शख्स रिश्वत हासिल नहीं करता लेकिन वो सेक्शन 162 के तहत बदनवानी और खिलाफ कानून तरीकों से किसी सरकारी मुलाजिम से कोई काम नहीं करवाता है, या फिर सेक्शन 163 के तहत जाती असर सूख की बिना पर किसी सरकारी मुलाजिम से कोई काम करवा कर देता है, तो ऐसी सूरत में इन सेक्शंस का ऐसे शख्स पर इतलाक ना होगा क्योंकि ऐसे शख्स ने रिश्वत ही हासिल नहीं की। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स अपने आप को मोतबर जितलवाने के लिए, अपने आप को बड़ा जितलवाने के लिए, यानी कि अपनी शो बनवाने के लिए किसी शख्स का कोई काम खलूस के जज्बे के तहत करवा कर देता है किसी सरकारी मुलाजिम से, चाहे वो जाती असर सूख से हो चाहे किसी तरीके से भी हो, लेकिन अपने आप को मोतबर जितलवाने के लिए वो काम करवा कर देता है और वो रिश्वत हासिल नहीं करता, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स को इस सेक्शन के तहत सजा नहीं दी जाएगी क्योंकि इस सेक्शन के तहत ये जुर्म नहीं बनता क्योंकि इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है रिश्वत हासिल करना वो उसने हासिल ही नहीं की। इसके बाद है सेक्शन 164, पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट बाय पब्लिक सर्वेंट ऑफ ऑफेंसेस डिफाइंड इन सेक्शन 162 और 163। इस सेक्शन में बताया गया है कि अगर कोई शख्स सरकारी मुलाजिम होते हुए ऐसे जुराइम जिनको सेक्शन 162 और सेक्शन 163 में बयान किया गया है, इन जुराइम से मुतालिक अगर कोई अबेटमेंट करता है तो ऐसे सरकारी मुलाजिम को 3 साल तक की कैद की सजा दी जा सकती है जो कि आइदर डिस्क्रिप्शन हो सकती है यानी कि सादा भी हो सकती है और कैद बामशक्कत भी हो सकती है,
या फिर ऐसे सरकारी मुलाजिम को जुर्माना ऐद किया जाएगा या फिर दोनों सजाएं दी जाएंगी। इसकी इलस्ट्रेशन में बताया गया है ए जो कि एक पब्लिक सर्वेंट है, जबकि बी जो है वो ए की वाइफ है। बी जो है वो किसी शख्स से अपने खावंद से काम करवाने के बदले में कोई तोहफा वसूल करती है, और वो तोहफा इस वजह से वसूल करती है क्योंकि उसके खावंद ने जो कि ए है उसने अपनी बीवी जो कि बी है उसको कहा होता है, उसकी बैठमेंट की होती है कि तुम तोहफा वसूल कर लेना, मैं इसका काम करवा दूंगा। तो ऐसी सूरत हाल में जो ए है यानी कि जो सरकारी मुलाजिम है उसको इस सेक्शन के तहत 3 साल तक की कैद की सजा हो सकती है या जुर्माना या दोनों सजाएं, जबकि बी जो है जो उसकी बीवी है उसको 1 साल तक की कैद की सजा हो सकती है या जुर्माना या दोनों सजाएं। इसको हम एक और मिसाल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर सब रजिस्ट्रार किसी शख्स को कहता है कि मैं जिन रजिस्ट्रियों पर एतराज लगाऊंगा उसके तुम पैसे वसूल कर लेना, उसके बाद मैं उन रजिस्ट्रियों को पास कर दूंगा। तो ऐसी सूरत में रजिस्ट्रार जब ऐसी रजिस्ट्रियों के बयानात कलमबंद करते वक्त एतराज लगाता है और दूसरा जो शख्स जिसकी ऐसे रजिस्ट्रार ने बैटमेंट की होती है वो उस पार्टी से मिलकर उससे रकम हासिल करता है या रिश्वत के बदले कोई चीज हासिल करता है और बाद में उनकी रजिस्ट्री के बयान करवा कर उसको पास करवा कर देता है, तो ऐसी सूरत में ऐसे सब रजिस्ट्रार को इस सेक्शन के तहत सजा दी जाएगी। व्यूअर्स वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।